हेलो फ्रेंड्स, मैं चंदन तिवारी अपने यूट्यूब चैनल का माय लेक्चर सीरीज पे आपका स्वागत करता हूं। आज मैथमेटिक्स का नया चैप्टर प्रारंभ होने जा रहा है जिसका नाम है घातांक एवं करणी। तो घातांक एवं करणी को पढ़ने से पहले कुछ इसके बेसिक फार्मूलों को समझेंगे, क्योंकि कोई भी चैप्टर अगर प्रारंभ होता है तो उसके बेसिक को समझना सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो ये हम देखेंगे कि घात और घातांक पहले होता है क्या है। आपको पता भी होगा कि घातांक और घात में क्या डिफरेंट है। डिफिनेशन किसी को नहीं पता है, लेकिन पहचान सब लोग होते हैं, पहचान सब लोग लेते हैं कि घातांक क्या है और घात क्या है। जैसे कि कहा जाए पाँच का हमें पाँच बार, पाँच में तीन बार मल्टीप्लाई करना है, तो आप इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं पाँच की पावर थ्री, और पाँच की पावर थ्री यानी फाइव की पावर थ्री हो गई, और फाइव की पावर थ्री की वैल्यू क्या होती है 125। इसका मतलब क्या है, जब आप 5 में 5 का 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट आपको 125 मिलेगा, यानी कि 5 की पावर क्यूब। तो इस कंडीशन में जो घात है वो ऊपर वाली को घात कहते हैं और नीचे वाले को घातांक कहते हैं। ये हो गई आपकी घातांक, ठीक है, और ये हो गई घात। तो ये घातांक जो घात होती है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं करना है। घातांक एवं घात को पढ़ने से पहले आप एक बार याद रखिएगा कि यदि आप वर्गमूल और घनमूल नहीं निकालना जानते हैं या वर्ग और वर्गमूल नहीं जानते हैं तो घातांक के प्रश्नों को सॉल्व करना बहुत कठिन हो जाएगा आपके लिए। तो पहले वर्ग और वर्गमूल अच्छे से सीख लीजिएगा, पिछली क्लास में वो डिस्कस किया गया है, पढ़ा दिया गया, पूरा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। घातांक के सारे प्रश्न वर्ग और वर्गमूल से ही बनते हैं, ठीक है। तो पहले इसके कुछ बेसिक फार्मूलों को समझते हैं कि बेसिक फार्मूले इसमें कौन कौन से हैं जो कि इस्तेमाल किए जाते हैं, और वही फार्मूले को प्रयोग करके आप सारे प्रश्नों को सॉल्व कर लेंगे। इसमें कुछ 10-12 फार्मूले होते हैं, उसको हम समझते हैं। जैसा कि घातांक का पहला फार्मूला होता है कि a की पावर m और इनटू मल्टीप्लाइड बाय b की पावर n। पहला फार्मूला, यदि आधार दो संख्याओं का आधार समान हो और घात क्या हो अलग अलग हो, तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, दोनों घातों को आप ऐड कर देंगे जब आधार बराबर होगा तो। सॉरी, यहाँ पे आधार उनका बराबर होगा, यानी a की पावर m और a की पावर n, तो आधार बराबर होने पे घातें जुड़ जाती है। पहला फार्मूला। दूसरा फार्मूला क्या होता है कि यदि आधार दोनों के अलग अलग हो, देखिएगा आधार दोनों के अलग अलग हो, a की पावर m मल्टीप्लाइड बाई b की पावर m, यदि आधार दोनों के अलग अलग हो और घाते क्या हो सेम हो, तो उस कंडीशन में नीचे वाले आधारों का आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है, यानी a और b होल टू दी पावर m, a और b का आपस में मल्टीप्लाई हो गया। और याद रखिएगा कभी भी नंबर्स को मल्टीप्लाई करने के लिए आप 4×5 लिखते हैं, लेकिन a और b में मल्टीप्लाई को आप a भी लिख सकते हैं और a मल्टीप्लाई बाय b भी लिख सकते हैं। तो आप a और b लिखा तो इसका मतलब आप समझिए कि a और b का यहाँ पे मतलब है कि मल्टीप्लाई उनमें हुआ है, ठीक। अब तीसरे फार्मूले को समझते हैं। तीसरा फार्मूला कौन सा होता है? तीसरा फार्मूला होता है कि यदि a एक नंबर है जिसकी पावर m है और उसमें डिवाइड किया जा रहा है एक a ही नंबर है जिसकी पावर क्या है n है, यानी कि a की पावर m डिवाइडेड बाय a की पावर n। इसको आप दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं कि a की पावर m डिवाइडेड बाय a की पावर n। तो इस कंडीशन में क्या होती है, जब भाग की मल्टीप्लाई में जुड़ता है और भाग में क्या होता है ये घट जाता है, a की पावर m माइनस n। तीसरा हो गया। चौथा फार्मूला क्या होता है? चौथा होता है कि यदि किसी भी नंबर की पावर जीरो दे रखी है, किसी भी नंबर की पावर, यानी ये नंबर कोई भी हो सकता है, a की पावर जीरो हो, b की पावर जीरो हो, ठीक है, कोई भी एनी नंबर, तो उसकी वैल्यू होती है जीरो, ठीक। अगला जो फार्मूला होता है पांच नंबर पे, वो होता है कि यदि किसी भी नंबर की पावर पहले से दे रखी है एम और उसकी एक और पावर दे दे एन और उसकी होल पावर फिर एक और दे दे एम एन क्यू दे दे एम एन पी लिख लेते हैं, ठीक है, एम एन पी, तो उस कंडीशन में आप घबराइएगा बिल्कुल मत। इसका फार्मूला होता है ए की पावर जितनी भी पावर में दे उनको मल्टीप्लाई कर दे एम एन एम एन पी, ठीक है, क्या हो जाएगा एम एन पी, यानी घातों का मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है। पांच नंबर पे हो गया। छह नंबर पे क्या होता है? छह नंबर पे होता है कि यदि कोई भी संख्या दी गई है, ए दी है और उसमें डिवाइड हुआ है बी का और उसकी पावर दोनों के बदले में ये कहीं पावर एन दे रखी है, तो उसको आप क्या करेंगे, आप उनको अलग अलग कर सकते हैं ए की पावर एन और बी की पावर एन में, यही मल्टीप्लाई वाला भी रिलेशन चलता है, यानी वी आई। यानी छठवें नंबर पे क्या देखेंगे आप कि यदि a और b में दो मल्टीप्लाई हुआ है और होल टू द पावर n दिया है, आप इनको अलग अलग कर सकते हैं a की पावर n
बी की पावर एन। ठीक है, ये छह फार्मूले थे। कुछ और इसके फार्मूले को देखें। छह के बाद सात नंबर पे यदि कोई संख्या ए है उसकी पावर में आपको दे रखा है एम, संख्या ए उसकी पावर में दिया है एम, और उसी के जैसे कोई दूसरी संख्या जिसके आधार दोनों की बराबर है लेकिन घात अलग है, यानी कि ए की पावर एम यदि बराबर है ए की पावर एन के, तो आधार चूंकि बराबर है तो घाते भी इनकी क्या होंगी, बराबर हो जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट फार्मूला होता है ये। अगर आठ नंबर फार्मूले की बात करें, आठवें नंबर पे कौन सी आती है, तो यदि अब आधार अलग अलग हो जाए, यानी कि ए की पावर एम दिया हुआ है और बराबर बी की पावर एम दिया हुआ है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, इनके आधार अलग अलग हैं, घात बराबर है, तो इस कंडीशन में इनके आधार भी बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट फार्मूला ये हो गया आठ नंबर। नेक्स्ट, अगर नेक्स्ट फार्मूले की तरफ चले तो क्या है, एट के बाद नाइन, यदि किसी भी अब इनके एग्जांपल्स को भी देखेंगे, अगर ये मान यहाँ पे फार्मूला आपको बताया जा रहा है तो सारे फार्मूले के अपने अपने यूज होते हैं, उनके यूज को भी देखेंगे और उनका इस्तेमाल हम कैसे क्वेश्चन के ऊपर करें जिससे कि हमारा प्रश्न आसानी से सॉल्व हो जाए, तो उसको हम समझेंगे। ठीक है, जैसे कि आपसे पूछा जाए कि रूट एक्स की वैल्यू क्या होगी, तो आप तुरंत कहते हैं कि एक्स की पावर 1/2। क्यों? क्योंकि हर करणी में दो छिपा होता है, हर करणी में दो घात होती है, हर करणी की दो घात होती है जबकि कोई घात ना दिया हो तब। लेकिन यहीं पे हम कहें कि यहाँ पे यदि n दे दे, n मतलब कोई भी नंबर, यानी x है यहाँ पर समझते हैं इसको, n है और x दे, तो आप क्या करेंगे, x की पावर 1/n कर देंगे। कैसे ये हुआ, क्योंकि यहाँ पे जब दो होता नहीं है, क्योंकि हर करणी में दो होता है तो आप दो लिखते हैं। अगर यहाँ पे तीन हो, जैसे नेक्स्ट हम कहते हैं अगर तीन कर दें, x करणी में है पे तीन कर दिया, तो आप क्या करेंगे, x की पावर 1/3 कर देंगे। ठीक, और नाइन नंबर पे हो गया। टेन नंबर पे हम कोई देखते हैं, टेन नंबर पे यानी कि अगर कोई भी संख्या ऊपर में पावर दी गई, यानी कि a की पावर नॉर्मली वो n लिखी गई है, आप उसको व्युत्क्रम में करना चाहते हैं, बटे में करना चाहते हैं, तो आप लिखेंगे 1/ a की पावर, या तो -n लिखे, या इनको आप लिख सकते हैं a 1/ a की पावर 1/n। ठीक है, यानी जब भी कोई घात ऊपर है अंश में, अगर वो नीचे जाएगी तो पॉजिटिव का निगेटिव हो जाएगा। और 11 नंबर पे हम क्या देखेंगे कि यही अगर चीज पहले से निगेटिव है और वो यानी अंश में पहले से निगेटिव, तो यदि वो हर में जाती है तो वो पॉजिटिव हो जाएगी, यानी कि a की पावर वो n हो जाएगी। ठीक है, 11 फार्मूला को हमने देखा। तो इन फार्मूलों का हम इस्तेमाल कैसे करें, यही हमको सीखना है इस पहले चैप्टर में, क्योंकि अगर फार्मूलों को इस्तेमाल करना आप जान जाते हैं, कहां कौन सा फार्मूला अप्लाई होगा, तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। एक और प्रश्न उठता है कि समान करणी क्या होती है और समान करणी क्या होती है, तो याद रखिएगा जिस करणी की घात और करणी में लिखी गई संख्या बराबर होती है वो संख्या समान कहलाती है, वो करणी भी समान होती है। 12 नंबर पे हम समझते हैं समान करणी किसे कहते हैं, समान करणी और असमान करणी, असमान करणी। ठीक है, तो इनमें अंतर क्या होता है, समान करणी में किस कौन कौन सी करणी आ सकती है, जैसे यहां पे हम 2 लिख दें और यहां पे हम लिख दें 2 के बाद हम लिख दें यहां पे 4 और यहां पे लिख दें 8, तो क्या ये तीनों बराबर हैं, आप इनको कैसे चेक करेंगे, तो चेक तो पहला कंडीशन अप्लाई हो रहा है कि सब में रूट दिया है, यहाँ पे 3 यहाँ पे 4 यहाँ पे 5 नहीं दिया है, यानी सबकी हर करणी की घात 2 है यहाँ पे दिया हुआ है। अब चेक करना कि क्या ये भी आपस में बराबर है कि नहीं, तो आपको ये पता कि करणी में तो सबसे छोटे रूप में लिखा गया है, आप इसको वही तरीके उसी तरीके से छोड़ देंगे, 4 को क्या लिख सकते हैं 2 × 2। ठीक है, तो 2 × 2 का तो 2 तो बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पे 2 यहाँ पे हम 8 के जगह पे हम लिख देते हैं 32, अब सही है। तो ये बताइए 32 का जब पेयर बनेगा तो क्या होगा, 2 × 2 × 2 × 2 × 2, यानी कि 5 बार 2 का मल्टीप्लाई, दो दो पेयर बनाएंगे तो आ जाएगा बाहर क्या, 4 करणी में 2, पहला हो गया करणी में 2, दूसरा हो गया 4 करणी में 2, 8 को आप ब्रेक करेंगे तो क्या होगा, 2 × 2 × 2, इसका परिणाम आएगा तो 2 करणी में 2, क्योंकि 2 से ये पेयर बना लिया। तो देखिए यहाँ पे ये भी करणी में 2 है
यहां भी चार करणी में दो है और यहां पे दो करणी में दो है, यानी तीनों संख्याओं का मान क्या है, तीनों संख्याओं का मान आपस में बराबर है, करणी में लिखी गई संख्या भी बराबर है और उसके साथ साथ करणी की घात भी बराबर है। यदि करणी की घात बराबर है और करणी में लिखी गई संख्या बराबर है तो उस कंडीशन में आप क्या देखेंगे कि उस कंडीशन में ये करणी समान कहलाती है। असमान में कौन कौन सी करणी में आती है, जैसे कि हम लिखना है करणी में 3 और यहाँ पे लिखते हैं करणी में 5, रूट 3 रूट 5 ये आपस में समान करणी नहीं है। क्यों नहीं समान है, क्योंकि यहाँ पे इनकी घात तो बराबर है लेकिन करणी में लिखी हुई संख्या बराबर नहीं है, इसलिए समान करणी में नहीं होगी, असमान करणी में आ जाते हैं। इनके अलावा क्या हो सकता है, यदि यहाँ पे आप 2 यहाँ पे आप 3 लिख दें, देखिए कहें कि करणी में 2 और यहाँ पे लिख दें 3 करणी में 2, ये भी बराबर है तो ये भी बराबर नहीं है। क्यों नहीं बराबर है, क्योंकि ये रूट 2 जो है इसकी करणी की घात 2 है और यहाँ पे करणी की घात 3 दे रखा है, तो इस कंडीशन में ये असमान करणी में आते हैं। ये थी बेसिक क्लास, आप इनके एग्जांपल्स को देखना चाहते हैं तो चलिए इनके कुछ एग्जांपल्स भी देख लेते हैं, ठीक है, इरेज करते हैं, स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा हर टॉपिक का, हम इतने में आपको एग्जांपल बताते हैं, ठीक है। क्या जैसे पहले फॉर्मूले की बात करें, पहला फॉर्मूला था a की पावर m इंटू a की पावर n, तो इसका क्या कंसेप्ट लगेगा, यहां पे दे देगा आपको 2 की पावर 5 इंटू 32 की पावर 6 इंटू 16 की पावर 7 इंटू 8 की पावर 5 की वैल्यू बताइए, तो आप क्या कहेंगे, यहां पे दिख रहा है कि सारी संख्या अलग अलग है, घात भी अलग अलग है, तो आप प्रयास करेंगे कि इस आधार को हम बराबर करें, तुरंत आप क्या करेंगे 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 हो गई, 32 का वैल्यू क्या होती है, 32 जो होती है वो 2 की पावर 5 की वैल्यू होती है, 32 2 की पावर 5 की वैल्यू होती है, तो आप इसको लिखेंगे 2 की होल टू द पावर 5 और होल्ड इसकी पावर की पावर है तो 6 लिख देंगे हम, 16 होता है तो 16 2 की पावर 4 का मान होता है, इसकी पावर पहले से 7 पड़ी हुई है, 8 है तो 2 की पावर 3 की वैल्यू 8 होती है और यहाँ पे हो गया 5, इसको सॉल्व करिए तो हो गया 2 की पावर 5 मल्टीप्लाइड बाई घात की घात में मल्टीप्लाई होता, अभी हमने आपको यहाँ पे लिखा था जो फॉर्मूला उसमें दिखाया कि यदि आपको दिया है a की पावर m होल पावर n तो आप कर देंगे a की पावर m इंटू n, तो यहाँ पे देखिए पावर का पावर में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2 की पावर 6 5 जा 30, ठीक है 30 हो गया, मल्टीप्लाइड बाय 2 की पावर 7 चौक 28, ठीक है, फिर 5 में 3 का करें तो 15, 2 की पावर 15, सब घातों को जोड़ दीजिए क्योंकि a और a का मल्टी यदि आधार समान तो घात कितनी भी वो जुड़ जाती है, तो यहाँ पे देखिएगा क्या होगा 15 5 20 20 और 30 जोड़ेंगे तो 20 और 30 50 और 50 में 28 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 78, 2 की पावर 78 इसका रिजल्ट आ गया। तो ये था पहले फार्मूले पे अप्लाई होने वाला क्वेश्चन था, उसी तरीके से अगर दूसरा एग्जांपल पे देखें, अगर आधार समान हो, आधार अलग अलग घात समान हो, यानी कि 2 की पावर 5 दिया हुआ है और इंटू 3 की पावर 2 की पावर 3 कर लेते हैं इंटू 3 की पावर 3 कर लेते हैं, तो इस कंडीशन में इसका रिजल्ट क्या होगा, तो 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 3 को सॉल्व करने का 2 तरीका है आपके पास, पहला तो आप क्या करें 2 की पावर 3 को सॉल्व करके इनका मान लिख दें, 2 की पावर 3 की वैल्यू होती है क्या 8, 3 की पावर 3 की वैल्यू होती है 27, इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 में 7 क्या करेंगे 56, 8 दूनी 16, 16 5 21, 216 आ गया। ये तो आपने बेसिक तरीके से सॉल्व किया, लेकिन अगर चाहते कि फार्मूले से सॉल्व हो तो आप क्या करेंगे, आधार समान नहीं है लेकिन घाते समान है, देखिए यहाँ पे दिया गया है यदि आधार समान ना हो घात समान हो तो आधारों का मल्टीप्लाई करके घात को सेम कर दिया जाता है, यानी 3 में 2 का गुणा कर देंगे 6 और 6 की पावर 3, 6 की पावर 3 हो गई तो 6 की पावर 3 6 का क्यूब क्या होता है तो 6 का क्यूब होता है 216, ठीक है, 6 का घन क्या होता है 216 होता है। तो ये कुछ बेसिक क्लास थी जिसमें हमने इनके फार्मूलों को देखा, इन फार्मूलों को आप लिख लीजिएगा कॉपी पर, कल जो क्लास बनेगी यानी नेक्स्ट क्लास जो आपकी रहेगी उस क्लास में आपको बताया जाएगा कि इनका प्रयोग क्या है और एग्जाम्स में जो भी प्रश्न होंगे उन प्रश्नों को सॉल्व कराया जाएगा, इन फार्मूलों की मदद से हम उन्हें कम समय में सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।